नमस्कार दोस्तों, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं व्यापारी भाइयों के लिए एक छोटा सा टोटका दे रहा हूँ। यह टोटका और तांत्रिक दोनों में ही आता है, तो यह टोटका करने से दुकान में अच्छी आमदनी होती है, बिक्री भी अच्छी होती है, बरकत भी मिलता है। यह व्यापारी भाइयों के लिए, कारोबारों भाइयों के लिए ये बहुत ही अच्छा तांत्रिक टोटका है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सांप का दांत, कोई भी सर्फ का, मरा हुआ सर्फ का एक दांत वो तोड़ लीजिए। और अपने बिक्री वाले जहाँ पैसा आदमी रखता है उसको गल्ला बोलते हैं, गल्ला चाहे बक्सा हो या कोई भी प्रकार का हो जिसमें आप बिक्री का अपना पैसा रखते हैं उसको गल्ला बोलते हैं। नहीं तो बहुत लोग गल्ला को गल्ला ही समझ जाते हैं, ऐसे नहीं, गल्ला जिसको पैसा, रुपया पैसा रखा जाता है उसको गल्ला बोलते हैं। तो उसमें मरे हुए सांप का एक दांत तोड़ लाइए, बड़ा वाला, किसी चिमटा से तोड़ लीजिए या पिलास से तोड़ लीजिए, मरे हुए सांप का जी, जिंदा का नहीं जी, मरा हुआ देखिए कहीं पड़ा है, फेंका हुआ है, उसको तोड़ लीजिए। और अपने गले के दिन अपने गले में उसको ले आके रख दें, इसमें कोई दिन वार की ज़रूरत नहीं है। यह प्रयोग अधिक लाभदायक है जी, यह प्रमाणित सिद्ध हुआ है। सिर्फ उन भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए, कारोबारों भाइयों के लिए, लेकिन एक दांत बड़ी वाली चाहिए और उसको तोड़ के किसी चिमटा या पिलास से अपने गले के अंदर सुरक्षित रख दें जी, इसमें कोई जो है दिन वार की भेदभाव नहीं है, आप इसे किसी दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो यह रही वीडियो हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, और इसे करके आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं, ये बहुत ही प्रमाणित साबित हुआ है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो उस लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। दोस्तों, तो आप कहीं भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।